शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कर्नाटक के बेलगांव में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने से महल स्थित छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक पर बेलगांव सरकार के खिलाफ कांग्रेस और शिवराज सेना ने जमकर विरोध किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेलगांव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के युवा नेता शुभम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराष्ट्र के राजा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को हर राजनीतिक बड़े सम्मान से उनका गौरव करते हैं। भले राजनीतिक पार्टियां आपस में तू तू मैं करें, लेकिन जब बात छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की आए तो सभी दल एक छत के नीचे आकर कर्नाटक के बेलगांव शासन प्रशासन का विरोध करते हैं। जी हाँ, कर्नाटक के बेलगांव में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का पुतला वहां के कुछ शरारती उपद्रवी राजनीति करने वाले ऐसे राजकारणियों ने वहां पर स्थित पुतला निकाल दिया, जिससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। इसका निषेध करने के लिए कांग्रेस और शिवराज सेना के कार्यकर्ताओं ने महल स्थित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमकर आंदोलन किया और कर्नाटक बेलगांव सरकार का पुरजोर निषेध किया। शहर के युवा कांग्रेसी नेता शुभम और उनके कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। महाराष्ट्र राज्याचे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज यांचे बेलगांव इथे पुतळा हा कर्नाटक सरकार द्वारे हटवला गेला। तो पुतळा एक दिवसाच्या आतमध्ये तिथेच परत लागला पाहिजे, ही मागणी आमची कर्नाटक सरकारला आहे। अन्यथा आम्ही काँग्रेस व शिवराज सेना आम्ही मिळून कर्नाटक इथे आंदोलन सुद्धा करायला मागे पुढे बघणार नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर नुसते हे सत्तेवर येतात, पण सत्तेवर आल्यावर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांना विसरतात। अशा सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। भारतीय जनता पार्टी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन कर्नाटक इथे सरकार बसवली, पण आज तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हटवून राहिले हे आम्ही कर्नाटक सरकार जाहीर निषेध करतो। व हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केला आहे व आम्ही अपमान करणाऱ्याचा जाहीर निषेध करतो। भारतीय जनता पार्टी यांचे डोळे उघडले पाहिजे, कारण तुम्ही निवडणुकीच्या वेळेस तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज आठवतात, पण आता कुठे गेले तुम्ही लोक? हे तुम्ही लोक 24 तास यातमध्ये तुम्ही लोकांनी तिथे जसा तसा पुतळा वापस लावलाच पाहिजे, ही मागणी आम्ही काँग्रेसतर्फे व तसे शिवराज सेनेतर्फे पण करतो। आज माझ्यासोबत रोणकजी चौधरी आहे, कृणालजी फुलंबीवार आहे, शिवराज जाधव आहे। आज आम्ही सर्व मिळून हा आंदोलन करत आहे व असे आंदोलन हे जोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा लागत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहणार। मागणी पूर्ण नाही झाली तर युग काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही अनशन करायला पण मागे पुढे बघणार नाही, आणि आम्ही तिथे जायला पण तयार आहोत। जायला तयार असं मी सर्व बस आम्ही तिकडे जायला पण सर्व तयार आहोत। जय भवानी। कर्नाटक बेलगाव सरकार द्वारा की जा रही ऐसी ओछी राजनीति का पूरा देश तीव्र निषेध कर रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।